दोस्त, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। भाई मैं हो चुकी हूँ तकरीबन हाफ रेडी। करवा चौथ फाइनली जिसका इंतजार था वो आ चुका है, जो त्योहार सबसे क्रेजी बनाता है लेडीज को। तो भाई फिलहाल आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा अभी, क्योंकि जब आधी मैं रेडी हो चुकी हूँ, इससे पहले लगी हुई थी काम में, बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह सुबह स्टार्ट करने का ब्लॉग। जल्दी जल्दी से अभी शुरू कर रही हूँ और अब हो चुका है कथा सुनने का टाइम, तो इसीलिए मैं फटाफट तैयार होने की कोशिश में। नीचे हो रहा है इंतजार, तो कर लेते हैं हम फटाफट। मैं हो जाती हूँ रेडी, अभी दिखाती हूँ आपको कैसी लगती हूँ। ठीक है जी, आज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा रेडी हुई हूँ मैं। हर बार जूड़ा उड़ा पहनती थी, अब की बार मैंने थोड़ा सा बालों को किया है कर्ल, जो रखे काफी फ्रीजी। ठीक है, मेरी फ्रेंड है उससे करा के आई हूँ मैं कर्ल। चलिए ठीक है, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। पहनूंगी मैं ये इयररिंग्स जो मैंने मंगाए थे मंत्रा से, ग्रीन जो सब पे जाते हैं। और ये देखिए भाई चूड़ा, मेरी शादी वाला बड़ा मस्त था चूड़ा ये। आपके बार मेरा भी मन था कि क्यों ना चूड़ा पहना जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब रेडी होके दिखाती हूँ आपको फटाफट। भाई मैं हो गई हूँ रेडी, ऑरेंज कलर का पहना है मैंने सूट। अभी पूरा लुक दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी नहीं दिखा सकती हूँ। ये देखो सिंदूर आज कितना बढ़िया भर गया है। तो मैं अभी जा रही हूँ कथा सुनने के लिए दूसरे प्लॉट में, वहीं पे ही मम्मी है, क्योंकि आपको पता है कि देवरानी के बेटा हो रखा है, तो अभी जापे में चल रही है, तो इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो चलो अब कथा सुन के आते हैं, फटाफट चलते हैं। आज देखा कितना फटाफट व्लॉग का पूरा, मैंने वो बिना सस्पेंस का पूरा लुक दिखा दिया आपको। अभी पूरा लुक थोड़ी देर में दिखाते हैं, मतलब कि आपने देख तो लिया आपकी क्यूट सी अंजू कितनी प्यारी लग रही है। अपने आप का भी प्रमोशन करते रहो, याद है ना। तो चलिए फटाफट मैं लोटा रेडी करती हूँ अपना। इसके तो बंद रहा होगा ना। हाँ। इनके तो खाटू जाऊंगी ना, तो वो बड़ा इकला वाले हूँ। हाँ वो सही चल रहा है, दादा ले पोता बरते। ये बेटी मैंने बरत दिए। अच्छा। बरत के लिए 500 तो दिया। हाँ वो सब हम भी जाऊंगी खाटू के मंदिर में। हाँ वही मैं कथा वथा सुन के आ गई थी, और अब आके मैंने बना लिया है खाना। थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ पूरा लुक। पहले तो ये टिफिन पैक कर दूं मिस्टर मलिक के लिए। मजेदार बात बता रही थी अभी मेरे को, एकदम मेरे का मन किया कि व्लॉग में क्यों ना लूं इस बात को। अरे आज की होया बाजार में, आज ना गोल गप्पे वालों पे ना टिक्की वालों पे कहीं भी भीड़ नहीं थी, कहीं भी खाली था सारी जगह। मैं बोली क्योंकि सारी लेडीज का करवा चौथ का व्रत है, मौका शुक्र मना वो तो साल में एक दिन सारी महिलाएं इकट्ठी तो के और ये व्रत रखती है। हाँ व्रत रखती है, अगर ऐसे ऐसे व्रत हफ्ते में होने लग जाए तो बर्बाद हो जाए लोग बाग। देखो ये हम औरतों ने मतलब कितना दुनिया के हम घर चला रहे हैं, समझ रहे हो। हमने रोजगार दे रखा है लोगों को, गोलगप्पे टिक्के खाने बंद कर देंगे बर्बाद हो जाएंगे आधे मानस। सच में धन्यवाद, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ बस बिल्कुल भीड़ नहीं। देखिए मैं घर में कुछ लिया हूं, मैंने कहा मम्मी मुझे खा जाएगी। शुक्र है तने बेरात क्या बात। बैठे मैं आज कुछ नहीं खा सकती, ना नॉन वेज ना वेज। रसमलाई लेके आती हूं, नॉन वेज कब खाते हैं, रसमलाई लेके आती हूं। हां कोई नहीं, हम कल पे छोड़ देते, फिर कल खाती तने अच्छी तरिया। देख लिया राजमा नहीं बनाया हमारे लिए, बोली मैंने सब मना कर दिया था। मैं भाई मेरा व्रत है, कोई राजमा नहीं मिलेगा, वहां खिचड़ी खाओ, शाम को मिलेगा तुम्हें बढ़िया खाना। और भाई बताना मेरे इयररिंग्स कैसे लगे, जो मैंने मंत्रा से मंगाए थे वो मुझे खास पसंद नहीं आए, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाले डाल लिए, ग्रीन ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन मस्त था ना। लाली लाल हर जगह बाजार में, लाली लाल परी दिखे है मुझको हर रोड पे लाल, इसीलिए हमने डिफरेंट लुक लिया ऑरेंज। ठीक है डिफरेंट तो हम और भी कुछ ले सकते थे, पर बस ऐसे ही कुछ समय नहीं मिला, जो चीज चाहिए थी वो मिली नहीं। पिन्नों के वजह तो रहेगी भाई ना, वह ऑपरेशन करवाम थी फंसती की थे, और ना मेरी शॉपिंग का कुछ ऐसा होता, नहीं तो बहुत अच्छी उस बेचारी ने क्लेम नहीं मिला उसका। देख ले मजाक बना रही, पिनो देख ले तेरा मजाक बनाने लग रही है, मजाक नहीं बना रही, झूठ बोल रही है, देख ले ना बे मजाक बना रही है। हाँ हाँ दीदी है। Oh, oh, oh.
बना के हो गई फ्री और इयररिंग्स लग रहे थे बहुत भारी, उतार दिए। हाँ जी अच्छा, अभी उसको डांटती हूँ। हाय गाइस, देखो काव्या आ गई आपसे मिलने, मेरी प्यारी सी काव्या। और अभी आपको मेरे एक व्लॉग में, पता है आपको, मेरी पांचों बहनों के और सुधा हमारी प्यारी सी भूरानी और मेरी भाभी सबके लुक देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस व्लॉग में अब आपको दिखेंगी सारी कि कौन कैसी लग रही थी करवा चौथ पे, बाकी आप जानते ही हो सबको। ये देखो गाइज, इसके बाल तो नहीं आते गाइज, तो इसने मेरे बाल लगा लिए गाइज। बताना कैसी लग रही है मेरी छोटी सी गुड़िया रानी। प्यारी लग रही है ना गाइज। तो भाई आप सबके लुक देखिएगा, बताइएगा कौन कैसी लग रही थी, ठीक है। मेरी सारी बहनों के लुक आपको देखने को मिलेंगे। और अब बस थक चुकी हूँ मैं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर आपको देखने को मिलेगा मेरा सेकेंड लुक शाम वाला, ठीक है। तो फिलहाल तो गाइज ये बार बार आ रही है मेरे पास, ये बदमाश लड़की खोके खाना। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ी देर इसको भी सुलाती हूँ और करती हूँ रेस्ट, और आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद दोबारा। ये मेरी चुटकी मिठाई, चलो ना ये दे भी दिया संदीप ने, गोमार का भी दे दिया। ये भाई हमारा चांद निकल चुका है, टाइम हो चुका है 9:02, ठीक है जी। भाई चांद के साथ हमारा व्रत हुआ संपूर्ण, चंदा मामा आए बिल्कुल टाइम पे, कोई इतनी लेट नहीं। देखो चांद के चेहरे पे चांद बना हुआ है, ये ऐसी लाइट आ रखी है हमारी। और भाई अड़ोसी पड़ोसियों को देख रहे हैं अब हम, ये इधर बाप बेटे मस्ती कर रही है, यह बहुत ऊंच हो रही है, ऊपर देखो वो वहाँ पे चल रहे हैं करवा चौथ, पड़ोसी होगा हमारे। और चंदा मामा लाल लाल रंग का निकल चुका है चौथ का चांद, ठीक है जी। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर से, और सबका भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा हो और अच्छा रहे हमेशा, सबके सुहाग की लंबी उम्र हो, ढेर सारी कामयाबी हो। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में, ठीक है जी। बाय, राधे राधे।